ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दीपक बैज के द्वारा पीएम मोदी को मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के बयान पर कहा कि मानसिक स्थिति विपक्षी दलों की खराब हुई है, जो कि गैर वाजिब मुद्दे हैं वह जनता के बीच ला रहे हैं, जो बताता है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति खराब है। आचार संहिता के बाद विभागीय मंत्रियों के द्वारा विजन डॉक्यूमेंट पेश करने को लेकर अरुण साव ने कहा कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे और सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है। वहीं जनता के समस्याओं के समाधान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर तरह की तैयारी की जा रही है। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री मामले में कांग्रेस की जांच समिति के मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है हर तरफ प्रश्न चिन्ह उठा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बेमेतरा में हुई दुर्घटना पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कल उनका जांच दल बेमेतरा गया था, प्रशासन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। सरकार घटना को लेकर गंभीर है, सेना के विशेषज्ञों की टीम से सलाह ले रहे हैं। मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर प्रकार से हमारी सरकार तैयारी कर रही है और मजबूती से इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता से बाहर हुई है हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। नक्सलवाद पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया वो बेनकाब हुए हैं और बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री की दुर्भाग्यजनक घटना हुई है उस पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल उनका जांच दल घटना स्थल पर गया था, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया उन्हें और सरकार उस घटना को लेकर गंभीर है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है, सेना विशेषज्ञ टीम से भी हम उसके लिए मदद ले रहे हैं और सरकार उस दुर्भाग्यजनक घटना के राहत और बचाव काम में पूरी तरह से लगी हुई है। प्रारंभिक तौर पर अभी तो हमने तय किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराएंगे और उस पर जो तथ्य आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की ये आदत रही है देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना, देश के सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, दुर्भाग्यजनक हो रही है घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कांग्रेस की आदत रही है और वही ये कर रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।